हेलो फोक्स, मेरा नाम है दिव्यम गुप्ता और आज हम स्टार्ट करेंगे सिविक्स का चैप्टर 4, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। दोस्तों, हमने लास्ट चैप्टर में कंक्लूड किया कि सोशल डाइवर्सिटी की एग्जिस्टेंस डेमोक्रेसी को थ्रेटन नहीं करती है और सोशल डिविजन्स की पॉलिटिक्स के आउटकम्स सिचुएशंस पर डिपेंड करते हैं। इस चैप्टर में हम बात करेंगे तीन सोशल डिफरेंसेस के जो सोशल डिविजन्स की फॉर्म ले सकते हैं, वो हैं जेंडर, रिलीजन और कास्ट। हम इन तीनों के नेचर और इनका पॉलिटिक्स में एक्सप्रेशन को समझेंगे। इस चैप्टर को हम 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। इस लेक्चर में हम बात करेंगे जेंडर के बारे में, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंडिया में जेंडर डिविजन को नेचुरल और अनचेंजेबल माना जाता है। लोग ये सोचते हैं कि वुमेन के दो ही काम है, फर्स्ट हाउसहोल्ड वर्क एंड सेकेंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। ज्यादातर फैमिलीज में वुमेन घर के काम करती हैं, जैसे कि कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। ऐसा नहीं है कि मेन ये काम नहीं कर सकते, बस वो यही सोचते हैं कि ये काम वुमेन का है। पर दोस्तों, जब इस जॉब के पैसे मिलते हैं तब मेन ये काम करते हैं, जैसे कि ज्यादातर होटल्स में कुक मेन होते हैं क्योंकि उनको इस काम के पैसे मिलते हैं। पर वही काम जब वुमेन करती हैं उनकी वैल्यू नहीं की जाती। इसको हम कहते हैं सोशल डिविजन ऑफ लेबर। दोस्तों, वर्ल्ड में काफी जगहों पर वुमेन्स का पॉलिटिकल अफेयर्स में पार्ट लेना अलाउड नहीं था। और तो और, सिर्फ मेन वोट देते थे, सिर्फ मेन को अलाउ किया जाता था पब्लिक अफेयर्स में पार्ट लेने के लिए। पर जब ये इशू पॉलिटिक्स में राइज हुआ तब वुमेन्स ने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने वोटिंग राइट्स, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, एजुकेशन और करियर अपॉर्चुनिटीज की मांग करी। ये प्रोटेस्ट कुछ टाइम बाद मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया, जिसको हमने नाम दिया फेमिनिस्ट मूवमेंट। दोस्तों, इससे वुमेन की पब्लिक लाइफ पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आया। आज हम देख सकते हैं कि वुमेन साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर क्या नहीं बन सकती हैं। स्वीडन और नॉर्वे जैसे कंट्रीज में पब्लिक अफेयर्स में वुमेन की पार्टिसिपेशन बहुत हाई है, पर इंडिया में अभी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो आइए देखते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से इंडिया में किन चीजों पर इफेक्ट आया, आइए देखते हैं। पहला है लिटरेसी रेट। इंडिया में गर्ल्स के बीच में लिटरेसी रेट है ओनली 65% और बॉयज के बीच में 82%। दोस्तों, बहुत से पेरेंट्स अपनी बेटियों को एजुकेशन के लिए नहीं भेजते हैं, वो अपने रिसोर्सेज बेटों पर ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हैं, जिसकी वजह से लिटरेसी रेट पर इफेक्ट आता है। सेकेंड है अनपेड वर्क। दोस्तों, ऑन एन एवरेज एक इंडियन वुमेन एक इंडियन मैन से 1 घंटा ज़्यादा काम करती है, पर फिर भी उसकी वैल्यू नहीं की जाती क्योंकि उनको या तो पैसे नहीं मिलते हैं या अनइक्वल पैसे मिलते हैं। थर्ड है सेक्स रेशियो। इंडिया में बहुत से पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके घर में बेटा पैदा हो और वो कुछ ऐसे तरीके ढूंढते हैं जिससे कि वो गर्ल को पैदा होने से पहले ही मार दे। दोस्तों, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है चाइल्ड सेक्स रेशो पे। इंडिया में कुछ रीजन्स में चाइल्ड सेक्स रेशो 840 तक गिर गया है। अब बात करते हैं लास्ट इफेक्ट के बारे में, वो है डोमेस्टिक वायलेंस। इंडिया में कुछ रीजन्स में वुमेन सेफ नहीं है, यहाँ तक कि वो अपने घर में भी सेफ नहीं है। उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, हैरेस किया जाता है और मारा भी जाता है। तो दोस्तों, ये थे 4 इफेक्ट्स जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से आते हैं। दोस्तों, वी आर लकी कि हमारे पेरेंट्स हमें एजुकेशन अवेल करने के लिए भेजते हैं और हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, जिसकी वजह से आप मेरी लेक्चर्स देख पाते हैं। अब बात करते हैं वुमेन की पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन के बारे में। दोस्तों, वुमेन से रिलेटेड इश्यूज को अटेंशन नहीं मिल पाती थी पॉलिटिक्स में, इसलिए दे डिमांडेड अ शेयर इन पॉलिटिकल पावर। लोकसभा में सिर्फ 10% वुमेन्स हैं और स्टेट असेंबलीज में तो सिर्फ 5%। इसको इम्प्रूव करने का एक सोल्यूशन है कि हम कुछ नंबर ऑफ सीट्स वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दें, जैसा कि लोकल गवर्नमेंट में किया गया। पंचायत में 1/3 नंबर ऑफ सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व है। ये सेम चीज लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में भी हो, ये डिमांड रखी जा चुकी है, पर यह बिल अभी तक पास नहीं हुआ है। तो दोस्तों, इससे हम कह सकते हैं कि सोशल डिविजन्स के जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनको फायदा होता है जब वो पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो दोस्तों, दिस वॉज ऑल अबाउट जेंडर एंड पॉलिटिक्स। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रिलीजन और पॉलिटिक्स के बारे में। प्लीज कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टू गो टू द नेक्स्ट लेक्चर जस्ट क्लिक हियर। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कीप लर्निंग।